है, क्या मंत्रियों और विधायकों ने जनता से चुनाव के वक्त जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए या वो वादों की किताबों में ही सिमट कर रह गए? इसी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे हैं अजमेर और दक्षिण विधानसभा सीट पर। ये जानने की कोशिश की है कि क्या जो चुनाव के समय वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं या फिर वो धराशायी हो गए। अनीता बघेल का चुनावी क्षेत्र रहा है, तो आइए यहां पर विकास का क्या काम हुआ इसकी एक बानगी देखते हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र यानी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल का क्षेत्र है। इस वक्त हम अजमेर के उसी एक सोगारा गली के अंदर यहाँ पर खड़े हैं जो कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आती है। सबसे पहले आपको वह हालात दिखाएंगे जहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की सड़कें यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन सड़कों के नाम पर आम लोगों का क्या कहना है। पहले नजारा आप देख सकते हैं कि यह एक गली है, केवल एक छोटी सी गली का हम उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं कि किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है मूलभूत समस्याएं ऐसी होती है जो कि चुनाव के अंदर प्रत्याशी के वोट को निर्धारित करती है। क्या वाकई में यहाँ की जनता अनीता बघेल के काम से खुश है? क्या लगता है कि जिस तरह के विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं कहाँ तक सही है? बिल्कुल, इनके दावे खोखले दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक छोटी सी गली नहीं बना पा रहे हैं, वो कहाँ से इस राजस्थान का इस विधानसभा का विकास करेंगे। आम लोगों की समस्याएं होती है रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं बिजली और रोड, लेकिन ये इस मूलभूत सुविधाओं को ही जब ठीक नहीं करा पा रहे हैं तो कहाँ से युवाओं को रोजगार की बात करेंगे, कहाँ से युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए आप यहाँ पर सभी जगह लगभग 15 साल से उत्तर और दक्षिण दोनों में बीजेपी की सरकार है। माननीय यहाँ से विधायक महोदय हमारे अनीता बघेल जी हैं। 15 साल में मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ एक बार भी वो इस गली में या इस क्षेत्र में आई नहीं है, जबकि उन्हें आकर 15 साल में एक बार तो वो देख सकते थे कि यहाँ के लोग किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। महिलाओं का क्या कहना है अपनी विधायिका को लेकर? 15 साल से अनीता बघेल यहाँ से विधायक हैं और दो बार मंत्री हैं, क्या कहेंगे? विकास काम अभी तक तो यहाँ पे कोई ने भी कुछ नहीं करा, हमारे इस लैंड में तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, बस सिर्फ यही बात। क्या कहेंगे, विकास हुआ है? हाँ बोलिए, कुछ भी नहीं हुआ विकास अभी तक तो, कुछ भी सुविधा कुछ ही नहीं, सड़कें बिल्कुल ऐसी रही। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की, मूलभूत समस्याओं की हम बात करें? ये सब पानी भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता, और इतने दिन ये सड़क के लिए हो गए, आती है कि बना देंगे, कोई बना के जाती नहीं है, खे जाती है और बनाती नहीं है। विधायक कह रही है करोड़ों रुपए की सड़कें बनाई है, पानी की सारी व्यवस्थाएं की गई है। अरे बेटा, ना तो सड़कें बनी है, ना नाली बनी है, ना नाली भी नहीं बनी, सड़कें भी नहीं बनी, और एक हमारे हेडपंप नहीं लग रहा इस लेन में, बाकी सब जगह है तो इस लेन में भी लगना चाहिए। क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत गंभीर है, 12-13 साल की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। वो नेता तो बनी हुई है लेकिन आकर देखे सुनहरी कॉलोनी में, वो भी वार्ड उनमें ही आता है, एक बच्ची इतनी गंभीर रूप से घायल है, ना तो उसको ट्रीटमेंट मिल रहा, ना उसको पुलिस प्रशासन मिल रहा, और वो हत्याचार करने वाला आजाद घूम रहा, उसके घर वाले भी घूम रहे। इस मोहल्ले में क्या क्या हो रहा है वो ये देखने आती है। आज 10 दिन हो गए इस कांड को हुए, और सड़कें तो सड़कें, नालियां भी हर चीज के लिए, ये सड़कें अहमियत नहीं रखती। तुम नेता हो तो सब चीज के लिए अहमियत रखना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में और क्या नहीं हो रहा है, क्या बच्चियों के साथ हो रहा है, क्या आज का जो दोषी आदमी है वो आजाद भी घूम रहा है। आप लोगों में काफी गहरी नाराजगी है, क्या लगता है माता जी, वाकई में विकास काम हुए है? हुए ही नहीं है, ना जो कुछ भी, ना हेडपंप हमारी गाड़ी में कितना परेशान होते हैं, अब जैसे जब पानी आवे के बरस रही है, ना जो सड़क देखो तो कैसी खुदरी है, ना जो जो आते हैं जो सब खेते हैं, अरे तुम्हारे नापे नहीं बनी, दुनिया की सड़क बन गई है हमारे नानी बनी, हम बहुत ज्यादा परेशान है। बुढ़े आदमी गिर जाएगी तो जिम्मेदार है क्या? हमारे तो कोई हाथ पांव काम के ही नहीं है। वैसे क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां, मूलभूत समस्याओं की हम बात करें, क्षेत्र में क्या दूर हो पाई है आज तक? देखो ऐसा चार चार दिन में नल आते हैं, और सड़क आगे का तो बिल्कुल ऐसी अपनी, कितनी बार देख देख के चलेगी, कितनी बार आके चलेगी, हाँ बनाएंगे नाली के लिए भी कितनी बार बुला बुला के लेकर आते, हम नहीं है यहाँ का, हम नहीं है। अनीता बघेल का कहना है, जो आपकी विधायिका है यहाँ की, प्रदेश की राज्य मंत्री भी है, कि काफी काम कराए हैं, लोग खुश हैं। आप देखो कोई भी काम नहीं कराया हमारे इधर, तो कुछ भी काम नहीं है, रोड पर के चक्कर जाकर आगे को सुनाई नहीं करता है, हमारी घर पे जाकर आए हम खुद, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। क्या वाकई विकास काम हुए और खुश है उनके? नहीं नहीं, 15 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, क्या ये आप खुद ही देख रहे हो? अभी इस मोहल्ले के लिए तो कुछ भी नहीं है,
इस मोहल्ले के लिए ना तो सड़क बनी है, नालियां भी साफ नहीं होती, बंगी भी नहीं आता, और चार दिन में नल आते, प्रेशर से भी नहीं आता, किसी को शिकायत करते तो कोई आता भी। ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं इस मोहल्ले के लिए कुछ नहीं है, क्यों, कोई खास वजह? हमने तो वोट सन जो जिनको मांगा ना उनको ही दिया, उन्होंने बोला हम काम तुम्हारा करवा देंगे, ये सड़क बनवा देंगे, तुम्हारी पानी की समस्या वो भी दूर कर देंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं। और अभी जो बाहर रोड बने ना, तब भी हमने पूरी महिलाएं सारी इकट्ठी होकर मोहल्ले की गई, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। क्या क्या दिक्कतें हैं? अब आप ये मुर्गी सड़क सुधारी अपने आगे, सड़क खड्डे हो रहे, बड़े बड़े खड्डे हो रहे सड़कों पर। कभी विधायिका से पार्षद से इस बारे में? पार्षद से कहा ना, बोलिए जा जा करके आए, पार्षद से भी पानी के लिए भी, पानी की समस्या है, भैया आते ही नहीं है, सफाई कर्मचारी भी नहीं आते, नाली के लिए भी आकर के गई है वो भी। और सीधे तौर पे हम बात करें तो लोगों में एक गहरी नाराजगी है, यहाँ पर कुछ और हैं हमारे साथ बात करते हैं, क्या समस्या क्या आती है, किस तरह की दिक्कत है, क्या विधायक ने यहाँ पे काम कराए? कुछ भी नहीं कराया, सब वोट लेने आ जाते हैं, नाली भी नहीं बनवाई और ना रोड ना हेडपंप। जमादार आता है, नाली जहाँ साफ न करने वाला वो भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता। यहाँ हम लोग घर घर गए पानी डालते हैं तो कहते हैं सोगरों की गली वाले तो जो है ना पानी ज्यादा भवाते हैं, अब सफाई तो करेंगे ना। क्या विधायक से कभी शिकायत करी इस बारे में? बहुत करी है विधायक से। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? कहते हैं देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे, करवा देंगे, बस और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं नेताओं का पुराना जुमला होता है कि हम विकास कराएंगे और आप देखना विकास होगा, लेकिन क्या विकास होते हैं? इस यही ग्राउंड फ्लोर पे हमने ग्राउंड जीरो पर आकर जब जानकारी लेनी चाहिए तो दावे खोखले साबित हो रहे हैं, लोगों में गहरी नाराजगी अनीता बघेल को लेकर लगातार देखी जा रही है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले चुनाव में इसका फर्क कितना भाजपा को पड़ता है। संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, अजमेर।